जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। तो आज से हम शुरुआत करते हैं एक नया सफर जिसका नाम है दिसंबर। तो हम यहाँ पे क्या क्या कवर करने वाले हैं, यहाँ पे अपन द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस डेली बेसिस पे अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप 100% अगर करंट अफेयर में स्कोर करना चाहते हो तो ये सीरीज और हमारी पीडीएफ बेहद आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वेरियस एग्जाम्स लाइक सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ और कोई भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप यहां से सारे करंट अफेयर्स करके ही जाएं। तो बिना किसी देरी के अपन आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। और एक बात और, अगर आप किसी किसी भी मैगजीन के थ्रू पढ़ रहे हैं या किसी भी कर रहे हैं, तो आप डेली बेसिस पे जरूर पढ़िए करंट अफेयर्स। ये आपकी एक हैबिट होना चाहिए कि डेली बेसिस पे आप करंट अफेयर्स कवर करें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट आया है। स्टेफिन फ्रैफार्ट जो कि फर्स्ट वुमेन रेफरी बनी इन मेंस वर्ल्ड कप मैच बिटवीन कौन से मैच, दो मैच की कंट्री होंगी जिनमें ये रेफरी करेंगी, तो वो है अपनी जर्मनी एंड कोस्टरिका। तो आंसर हो जाएगा इसका जर्मनी एंड कोस्टरिका। जर्मनी जिसका कैपिटल बर्लिन है, बर्लिन है। कोस्टरिका जिसका कैपिटल सेंट जॉस है, ठीक है, सेंट जॉस है। एंड ये फर्स्ट रेफरी बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, यहाँ पे मैं एक चीज और आपके साथ शेयर करता हूं। जीएस लक्ष्मी ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। जीएस लक्ष्मी एनडीए एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। ये फर्स्ट रेफरी बनी थी, इंडियन फर्स्ट रेफरी बनी थी, फर्स्ट वुमेन रेफरी बनी थी जिनने ओडीआई में एम्पायरिंग की थी। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं जीएस लक्ष्मी। और एक और मैं चीज बताता हूं, यहां पे मैं बताता हूं कि अभी जो मैच हुआ था रिसेंटली सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना, जो बहुत सुर्खियों में रहा था ये मैच, तो सऊदी अरेबिया ने अर्जेंटीना को बीट किया था। एंड ये फर्स्ट एशियन कंट्री बनी थी जिसने अर्जेंटीना को बीट करा था। तो ये भी आप एक पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। बाकी आपको ध्यान रखना है स्टेफिन फ्रैफार्ट जो कि फर्स्ट वुमेन रेफरी बनी है, कौन कौन सी टीम के बीच में मैच में ये होगा जर्मनी एंड कोस्टरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द फर्स्ट जी ट्वेंटी शेरपा मीटिंग कहां पे होगी ये? चलो फर्स्ट जी ट्वेंटी शेरपा मीटिंग ये देखो उदयपुर में होगी, ये उदयपुर राजस्थान में होगी, ठीक है। इंदौर में कौन सी होगी? चलो इंदौर में बताता हूं मैं, प्रवासी भारतीय दिवस मैंने आपको बताया था। अब आपको अगर कोई बोले कि यार कोई भी ऐसी मीटिंग आए आप उसमें दिल्ली लगा देना, तो वो हमेशा गलत होगा। कभी भी आप तुक्के में अगर लगाओगे ना तो नेगेटिव मार्किंग में लेके चले जाओगे, ठीक है। तो उदयपुर में होगी अपनी फर्स्ट जी ट्वेंटी शेरपा मीटिंग, हमेशा ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। इसमें कौन है अपना जी ट्वेंटी शेरपा कौन है? तो वो है अपने अमिताभ कांत जी, आपको याद रखना है अमिताभ कांत जी, ठीक है। ये वाला, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आप जी ट्वेंटी शेरपा मीटिंग कहाँ पे हो रही? उदयपुर में। और कौन इसको हेड कर रहे हैं? फॉर्मर सीईओ ऑफ नीति आयोग अमिताभ कांत जी। बस इसमें यही बातें ध्यान रखना है। और आज जी ट्वेंटी में इंडिया ने अपनी हेड करेगा, जी ट्वेंटी की मेंबरशिप ले ली है, मिल गई है आज इंडिया को, ठीक है। अभी उसके बारे में भी अपन आगे बात करेंगे। थर्ड जो क्वेश्चन है आपके सामने, रिसेंटली इन न्यूज द डिस्प्यूट बिटवीन विच टू स्टेट्स ओवर बेलगाम। अब ये क्वेश्चन देखिए, आज मैंने बताया था आपको सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग स्टार्ट किए, जो उनका लॉन्ग पेंडिंग केस चल रहा था महाराष्ट्र एंड कर्नाटका के बीच में। तो आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ठीक है, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, महाराष्ट्र से रिलेटेड रिसेंटली न्यूज में था कि यूनेस्को अवार्ड, ठीक है, यूनेस्को अवार्ड मिला है किसको? अभी रिसेंटली मिला है, 3-4 दिन पहले मैंने डाला भी था इस चीज को, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। आप ये चीज भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें और कुछ आपको याद नहीं रखना है। अगर बेलगांव से रिलेटेड अगर दो चीज उसमें आ जाए स्टेट्स में डिस्प्यूट, तो आप क्या बोलोगे? महाराष्ट्र और कर्नाटका में। अब आप मुझे बताओ कि टिगरे जो रीजन है,
ठीक है, इसके बीच में भी अभी डिस्प्यूट था वो खत्म हो चुका है। वो कौन सी कंट्री के साथ था कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, मैंने आपको बताया था ये नवंबर के वीडियो में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री सेट टू एंटर इनटू फोर्स फ्रॉम दिसंबर 2022। बहुत काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके फ्रेम हो सकता है एग्जाम में। चलो अपन ये न्यूज को देखते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ट्रेड पैक्ट कब साइन होने वाला है? ये दिसंबर 29 को होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखना। अब एक और चीज और मैं बताता हूं इसमें, यूएई यूएई के साथ कब हुआ था? यूएई के साथ अभी रिसेंटली हुआ था। ये क्वेश्चन मैंने अभी यूपीएससी यूपीपीसीएस में भी देखा था कि ये क्वेश्चन आया था। ये 18 फरवरी को हुआ था, ठीक है, और मई में इसको मई में इनने इम्प्लीमेंट कर दिया था। अभी रिसेंटली फोर और कंट्रीज में होने वाला है, फोर इकोनॉमिक्स ब्लॉक्स के साथ होने वाला है। तो अपन वो देखते हैं कौन कौन से हैं वो। वो है अपना पहला यूके, सेकंड है अपना यूरोपियन यूनियन, ठीक है, अपना थर्ड है कनाडा, कनाडा के साथ भी होने वाला है अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। फोर्थ है अपना गल्फ कॉरपोरेशन, गल्फ कॉरपोरेशन, राइटिंग के लिए क्षमा चाहूंगा, यहाँ पे नहीं आती है मेरी सही, ठीक है। अब गल्फ कॉरपोरेशन में कौन कौन सी कंट्रीज हैं अगर मैं आपको बताऊं तो, उसमें यूएई, बहरेन, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, कुवैत, ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज हैं। बस इसमें और कुछ ध्यान नहीं रखना, बस फोर इकोनॉमिक्स के साथ अभी ये होने वाला है, ठीक है, पैक्ट होने वाला है साइन। अब इसमें और अपन क्या देख सकते हैं, अब इसमें अपन देखते हैं, इसमें अपन देखते हैं कि अभी ऑस्ट्रा हिंद, ऑस्ट्रा हिंद, ऑस्ट्रेलिया से मुझे याद आया, ऑस्ट्रा हिंद 2022 कहां पे होगी? ये होगी महाजन फील्ड, महाजन फील्ड याद रखना, महाजन फील्ड, महाजन फील्ड कहां पे? राजस्थान में, ठीक है, मैंने आपको ये पहले ही बताया था तो आप इसको ध्यान रखना। ऑस्ट्रा हिंद कहां पे हो रही है? राजस्थान महाजन फील्ड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ तो अपन देख लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट सेलिब्रेट्स हॉर्नबिल फेस्टिवल? हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन सेलिब्रेट करता है? तो वो नागालैंड सेलिब्रेट करता है। इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। एंड हॉर्नबिल क्या है? हॉर्नबिल एक बर्ड है, ठीक है, हॉर्नबिल एक बर्ड है, ठीक है, और इसका आईयूसीएन अगर आपसे स्टेटस पूछ लें तो ये नियर थ्रिएटेंट है, ठीक है, राइटिंग के लिए क्षमा चाहूंगा, नियर थ्रिएटेंट है। और अब एक फैक्ट और बताता हूं मैं आपको कि केरला और अरुणाचल प्रदेश, केरला एंड अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बर्ड क्या है? हॉर्नबिल, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि नागालैंड की स्टेट बर्ड क्या है तो आप बोलोगे सर हॉर्नबिल फेस्टिवल तो यहाँ बनाया जाता है, तो आई गैस कि हॉर्नबिल हो सकती है यहाँ की स्टेट बर्ड, बट नहीं, नागालैंड की स्टेट बर्ड हॉर्नबिल नहीं है, स्टेट बर्ड है यहाँ की ब्लिट्स, ब्लिट्स ट्रेगो कुछ करके है वो यहाँ की स्टेट बर्ड है। तो बस यहाँ पे और कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है, ये फेस्टिवल कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करता है नागालैंड के, बस आपको ये ध्यान रखना है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में, और उसका आप आईयूसीएन स्टेटस याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एड्स डे। अगर आपसे पूछ लिया जाए एड्स डे का कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो एड्स डे हमेशा मनाया जाता है दिसंबर 1 को, और दिसंबर 1 को मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम नॉर्मलाइज है क्या? नहीं, इसकी थीम है इक्वलाइज। देखिए अगर छोटी सी भी कुछ थीम आती है ना तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर कुछ छोटी छोटी थीम आ गई, जैसे इक्वलाइज आ गई है ना, वेलफेयर आ गया, तो ये जो सारी थीम्स होती है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को ज्यादा थीम उसमें राइट करने का, लिखने का नहीं रहेगा, तो इसलिए छोटी छोटी थीम को याद रखना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ओनली वन, ठीक है, नॉर्मलाइज इसकी थीम नहीं है, इसकी थीम है इक्वलाइज। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े अच्छी लेवल के फ्रेम हो सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट पासेस द स्ट्रिक्ट एंटी कन्वर्जन बिल? अब एंटी कन्वर्जन बिल किसने पास किया है रिसेंटली? अभी रिसेंटली पास किया है उत्तराखंड ने, उत्तराखंड ने पास किया है, और उत्तराखंड ने रिसेंटली अभी क्या करा था? गौरव सम्मान अवार्ड दिया था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि किस किस को दिया था गौरव सम्मान अवार्ड अवार्ड। और मध्य प्रदेश ने अभी रिसेंटली एमबीबीएस,
एमबीबीएस को हिंदी लैंग्वेज में भी करने की घोषणा की है। उससे के बाद उत्तराखंड ने भी घोषणा की है। मध्य प्रदेश में अपनी लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 अभी लॉन्च की थी, आप ये भी ध्यान रख सकते हो। इसमें कुछ नहीं है, इसमें एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाया जाएगा, जो रिलीजियस कन्वर्जन होता है इन द स्टेट, उसके लिए ये एक लॉ बनाया जाएगा उत्तराखंड में, तो आप ये ध्यान रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूपी फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर? ठीक है, आप देखो इसमें कौन है, लक्ष्मी सिंह मैम। लक्ष्मी सिंह मैम अभी बनी है फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर। अब देखो, मैंने आपको एक और चीज बताई थी इससे रिलेटेड, सीमा सीमा धुंधिया, ठीक है, सीमा धुंधिया करके थी, और एक एनी एनी एब्रेम, एनी एब्रेम जो कि सीआरपीएफ की आईजी बनी थी, सीआरपीएफ की, सीआरपीएफ ऑफ आरएएफ, इनकी आईजी बनी थी ये दोनों फर्स्ट वुमेन आईजी बनी थी। तो आप इस चीज से ये ध्यान रख सकते हो, मैंने रिलेट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो जो फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर बनी है वो बनी है लक्ष्मी सिंह मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। आप देख सकते हैं कितना बेहद जो वुमेन है वो इतनी इस फील्ड में आगे जा रही है। तो दिस इज द कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट, है ना। आप इसको आप ऐसे वगैरह में भी नोट कर सकते हैं अगर आप सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 9th नंबर का क्वेश्चन है, द फर्स्ट ऑल वुमेन बेंच इन सुप्रीम कोर्ट वॉज इन 2013। 2013 में हुई थी ये बेंच। इसको किसने हेड किया था? इसको हेड किया था ज्ञान सुधा मिश्रा एंड रंजना प्रकाश देसाई। ऐसे क्वेश्चन सीडीएस में पूछे जाते हैं, हाई लेवल क्वेश्चन हैं ये, बट आपको कोई ये कवर नहीं करवाता है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप 100% अगर क्वेश्चन कर रहे हो, 100% आप करंट अफेयर्स में लेके आओ। ठीक है, अगर आपसे थर्ड थर्ड बेंच का पूछ लें कि थर्ड टाइम किसने किया है, तो उसका आंसर होगा हिमा कुरेशी एंड बेला एम त्रिवेदी। ठीक है, तो आप ये दोनों चीजें ध्यान रख सकते हो। अब एक चीज और बताता हूं, जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट की, वो कितनी है? 34। 34 जजेस की स्ट्रेंथ है। कौन अपॉइंट करता है जजेस और सीजीआई को? प्रेसिडेंट। ठीक है, आप पॉलिटी में अभी ये सब चीजें पढ़ोगे। ठीक है, रेजिग्नेशन किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो आप ये सब चीजें पढ़ना पॉलिटी में, कोशिश रहेगी कि आप हैंड रिटन नोट से भी पढ़ सकते हो अपनी पॉलिटी। डिजायर टू लर्न में अवेलेबल है हैंड रिटन नोट्स, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रवीश कुमार रिसेंटली रिजाइन फ्रॉम, ये बहुत न्यूज में रहे अभी एक दो दिन में, शेयर्स बहुत बड़े एनडीटीवी के। तो कौन है जो रवीश कुमार रिसेंटली रिजाइन किया, कहां से रिजाइन किया? एनडीटीवी से। ठीक है, इसमें बाकी तो आपको और कुछ नहीं जानना है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एनडीटीवी से रिजाइन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीएसएफ विल बी सेलिब्रेटिंग इट्स राइजिंग डे फॉर द फर्स्ट टाइम इन एंड सेकेंड टाइम आउटसाइड द दिल्ली। और ये बेहतर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूं कि कहां पे वो कर रहे हैं। वो कर रहे हैं पंजाब में। ठीक है, पंजाब में कर रहे हैं, और ये 58th रेजिंग डे है। 58th रेजिंग डे है। ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम कहां पे कर रहे हैं? इंडिया के बाहर कर रहे हैं, पंजाब में, और सेकेंड टाइम आउटसाइड द दिल्ली। ठीक है, अब एक चीज और बताता हूं मैं इसमें। ठीक है, इसमें एक चीज और है अपनी, कि ये फर्स्ट इन राजस्थान में हुआ था। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया था कि सेकंड कहां पे हो रहा है, पंजाब में, तो फर्स्ट हुआ था राजस्थान में। और इसमें अपन एक चीज और देखते हैं, बीएसएफ, अगर मैं बात करूं बीएसएफ की अगर मैं बात करूं, तो इनके पास इंडिपेंडेंट एयर विंग भी है। आपको ये बात पता थी? इंडिपेंडेंट एयर विंग भी है बीएसएफ के पास। ठीक है, और फर्स्ट कैमल वुमेन राइड, फर्स्ट कैमल वुमेन स्क्वाड किसने किसने अभी स्टार्ट की थी? बीएसएफ ने। अब आज ही की न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने कितना खतरनाक लिंक करा इस चीज को, कि जो फर्स्ट वुमेन है ना, फर्स्ट वुमेन लिंक, फर्स्ट वुमेन स्क्वाड ऑफ कैमल है ना, वो कहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी? अपनी रिपब्लिक डे परेड में। रिपब्लिक डे परेड में वो पार्टिसिपेट करेंगे। अब आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि रिपब्लिक डे परेड में कौन गेस्ट आने वाले हैं। ठीक है, कौन सी कंट्री के और कौन गेस्ट आने वाले हैं रिपब्लिक डे परेड में? ठीक
ठीक है, बाकी बीएसएफ के मैं तो और कुछ नहीं जानना है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, हु अमंग्स द फॉलोइंग टॉप द फोर्ब्स रिच लिस्ट 2022, अपना किया है गौतम अडानी जी ने, सेकंड पे रहे मुकेश अंबानी, राधा कृष्ण दमानी जी, सिप्रस पुनेवाला, एंड फिफ्थ पे रहे शिव नाडेर जी। बस आपको और कुछ ध्यान नहीं रखना है, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया टेक्स ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ G20, या ये आज ही की न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज से ही करी है, ये नवंबर तक रहेगी, नवंबर 2023 तक रहेगी, एंड इसके पहले किसके पास थी, इंडोनेशिया के पास, इसके बाद किसके पास जाएगी, ब्राजील के पास। तीनों चीजें ध्यान रख सकते हो आप अगर पूछ लें आपसे तो। ठीक है, अब इसमें अपन ने क्या बोला, थीम क्या है, वन अर्थ मिलियन फैमिलीज ब्राइट फ्यूचर। अरे नहीं यार, ये थोड़ी है थीम, अपनी थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ ओनली वन इज करेक्ट। अब ये देखिए, ये लोगो है अपना G20 समिट का, जिसमें लिखा है भारत, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है वासुदेव कुटुंबकम, और नीचे लिखी गई है उसकी थीम। ये जो दिया है ये ट्राई कलर्स में है, ये एक लोटस बना हुआ है, उसके ऊपर अर्थ है, बस इसमें आपको ये लोगो ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी आप थीम ध्यान रखिए, क्योंकि ये 2023 तक एंड में रहेगी, तो आपसे कभी भी इसकी थीम पूछी जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संगाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन, कहां पे सेलिब्रेट हो रहा है संगाई फेस्टिवल, संगाई फेस्टिवल हो रहा है मणिपुर में, तो आप मणिपुर में ध्यान रख सकते हो। संगाई क्या है, संगाई फेस्टिवल की पहले तो थीम जान लेते हैं, संगाई फेस्टिवल की थीम है फेस्टिवल ऑफ वननेस। ठीक है, अब संगाई क्या है, संगाई एक डियर है, ठीक है, ब्रो एंटल्ड डियर है, जो कि फाउंड होता है मेनली मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में फाउंड होता है, सिर्फ मणिपुर में फाउंड होता है ये डियर। इसका अगर अपन देखें साइंटिफिक नेम तो रिक्यूबरस एलडी, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, बस ये आप ध्यान रखिए संगाई फेस्टिवल कहाँ पे होता है, तो मणिपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट इंडियन बस्टर मेनली फाउंड इन विच स्टेट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कहाँ पे मेनली फाउंड होती है। 90% पॉपुलेशन अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की देखा जाए तो वो होती है अपनी फाउंड राजस्थान में। ठीक है, इनको अपने क्या न्यूज में रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट है, देखो मैं आपको एक बहुत अच्छी न्यूज बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि आप जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्रोजेक्ट चल रहा है उसको आप टाइगर जैसे, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर जैसे आप चलाओ, अगर आप प्रोजेक्ट टाइगर जैसे चलाओगे ना तो ये जो लुप्त हो रही है ये ग्रेट इंडियन बस, जो कि 150 बची है सिर्फ, शायद 150 बची हुई है, और इनका वेट कितना रहता है 12 to 15 kg, सोचो आप, और फीमेल का रहता है 5 to 8 kg। अब ये वर्ल्ड की मतलब लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड्स होती हैं, ये तो आपको पता ही होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, और ये एक हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है इंडिया की, तो आपको ये दो दो तीन चीजें ध्यान रखना है। और प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट हुआ था 1973 में, आप ये भी ध्यान रख सकते हो। बस इसमें और कुछ ध्यान नहीं रखना है, बस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का अगर मेनली फाउंड कहाँ पे होती है तो राजस्थान में, और इन्हें किससे बोला गया कि लाइक टाइगर्स जैसा आपका जो प्रोजेक्ट चला था वैसे आप इन्हें कोशिश करो चलाने की। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में 2 दिसंबर को। ठीक है, 2 दिसंबर को मिलते हैं। अगर आपको मुझसे इस लेक्चर में कुछ गलतियां हुई हैं तो प्लीज मैं आपसे माफी चाहूंगा। आप करंट अफेयर्स के लिए फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे यूपीएससी CDS डिजायर टू लर्न, एंड फॉर द PDF यू कैन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम डिजायर टू लर्न। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सर्दियों का मजा लेते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जय हिंद जय भारत।